तोता बाज से कैसे उड़ते हो शान से, क्या डर नहीं लगता तुमको इतने ऊंचे आसमान में। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चप्पा चप्पा जाते हो, रोज रोज लड़ने हवा से, ये जिगरा कहाँ से लाते हो। आए जब तूफान जरा सा सारे पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी आसमान में तुम ऊंचे उड़ते जाते हो। पक्षी सारे एक समान पर पक्षी राज तुम कहलाते हो। बोला बाज फिर तोते से, ये तेरी बस की बात नहीं, खोल बताऊं सारे राज पर तेरे उड़ने की औकात नहीं। पक्षी सब है एक समान और उड़ना सभी को आता है, पर आए झोंका एक हवा का, तू राम राम चिल्लाता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, चाहे जिगरा तेरे पास नहीं, फिर भी तुझको दिखलाता हूँ, आज सारे राज बताता हूँ कि कैसे मैं पूरे जंगल में पक्षी राज कहलाता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कभी बनना हो तो बाज की तरह बनो, तोते की तरह नहीं। तोता बोलता तो बहुत है पर ऊंची उड़ान नहीं करता। बाज जो बोलता बहुत कम है लेकिन ऊंची उड़ान भरता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ के बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंटों में, तो आगे बने रहिए। पहला लेसन है, ईगल फ्लाई अलोन एक हाई एटीट्यूड। बाज हमेशा अकेला उड़ता है या फिर दूसरे बाज के साथ ही उड़ता है। बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के नहीं उड़ता और बाकी पक्षियों के मुकाबले वो सबसे ऊंचा उड़ता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर जीवन में ऊंचा मकाम हासिल करना हो तो इन छोटी सोच वालों लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे तरह ही सोच रखते हो, या फिर अकेला रहना चाहिए। सेकेंड लेसन, ईगल हैव अ विजन। बाज का विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और अपनी पूरी फोकस अपने शिकार पर रखता है, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो अपना शिकार को करके ही दम लेता है। इसे हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने विजन को हमेशा क्लियर एंड स्ट्रांग रखना चाहिए, अपना फोकस हमेशा अपनी मंजिल पर रखना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। जब तक मंजिल मिल नहीं जाती तब तक विजन क्लियर रखना चाहिए। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट्स डेड थिंग। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा खुद से ही शिकार करता है और खाता है। इसे हमें ये सीख मिलता है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, बाज की तरह ही हमें भी अपने पास्ट में नहीं जीना चाहिए। आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए हमें पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करना चाहिए। चौथा लेसन, ईगल आर फियरलेस। बाज कभी भी अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी नहीं झुकता। बाज लीडर होकर अपने दुश्मनों का सामना करता है और अपनी सीमाओं को हिफाजत करता है। इससे हमें ये सीख मिलता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए। कामयाब लोग बहुत ही लीडर होते हैं मेरे दोस्त, वो अपनी प्रॉब्लम का डट कर सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 5वां लेसन, ईगल प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग। बाज का ट्रेनिंग बहुत ही टफ होता है। जब वो पैदा होता है तो उसकी माँ उसके घोंसले से वो सॉफ्ट घास निकाल देती है। जब उसे उड़ना नहीं आता तब उसकी माँ उसे आसमान में ले जाकर नीचे छोड़ देती है और वो नन्ना सा बाज उड़ना सीख लेता है। इसे हमें ये सीख मिलता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन में रहकर कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। आप जितना ज्यादा कम्फर्ट जोन में रहोगे आपकी आने वाली लाइफ और भी ज्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। सो गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।